ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जीके का, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद आप ये ज़रूर बोलोगे वाह भाई क्या वीडियो बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी आई क्यू जीके पर। फिर मैं आपके लिए जीके का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ज्योग्राफी, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं अगले एग्जाम में रिपीट होने के। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन सभी पार्ट अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं फ्रेंड्स आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने आपका 80-90% जो सिलेबस है जीके का, साइंस का, मैथ्स का, रीजनिंग का वो मैं करवा चुका हूँ, तो वो वीडियोज भी आप जरूर जरूर देख लेना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो आंसर है जो पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें पनामा नहर की, फ्रेंड्स ये आर्टिफिशियल नहर है, ठीक है, मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया नहर है ये पनामा नहर, ठीक है। अगर आपसे इसकी लंबाई पूछी जाती है तो फ्रेंड्स जो पनामा नहर है इसकी लंबाई जो है फ्रेंड्स वो 82 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। कभी कभी आपको ऑप्शन में 80 किलोमीटर भी दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों सही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें फ्रेंड्स प्रशांत महासागर की, फ्रेंड्स ठीक है, जो प्रशांत महासागर है फ्रेंड्स ये हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो अंध महासागर है इसको हम अटलांटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, स्विच नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो आंसर है जो स्विच नहर है ये भूमध्य सागर को और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। फ्रेंड्स ये जो स्विच नहर है ना फ्रेंड्स ये भी एक आर्टिफिशियल नहर है, ठीक है, मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें ये स्विच नहर जो है इसकी लंबाई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी जो लंबाई होती है फ्रेंड्स वो होती है 193 किलोमीटर, ठीक है, 193.30 मीटर होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो आंसर है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसको हम 180 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 180 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। और फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली वीडियो से बताया था कि देशांतर क्या होते हैं, अक्षांश क्या होते हैं, फ्रेंड्स फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। फ्रेंड्स देखो हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी में फ्रेंड्स दो तरह की काल्पनिक रेखाएँ बनाई गई हैं, ठीक है, एक रेखा फ्रेंड्स इस तरह की है जिसे कि जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, या बोलो क्षैतिज है, ठीक है, दो एक तरह की रेखा ये होगी, दूसरी तरह की रेखा फ्रेंड्स ये होती है जिसे कि हम वर्टिकल बोलते हैं या बोलो लंबवत बोलते हैं, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स ये जो क्षैतिज रेखाएं है ना, मतलब जो ये जो हॉरिजॉन्टल रेखा है इनको हम अक्षांश बोलते हैं, ठीक है, अक्षांश बोलते हैं इनको। और ये जो फ्रेंड्स लंबवत रेखा दिख रही है आपको या बोलो वर्टिकल जो रेखाएं हैं इनको बोला जाता है देशांतर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। और फ्रेंड्स 0 डिग्री जो देशांतर है ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, महासागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है महासागर की गहराई मापने के लिए जो फैदोमीटर यंत्र तो होता है इससे जो महासागर होते हैं उसकी गहराई को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माउंट ब्लॉक किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो आंसर है जो माउंट ब्लॉक है ये आल्प्स पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि ये जो आल्प्स पर्वत है, ठीक है, ये जो आल्प्स माउंटेन है ये किस कॉन्टिनेंट में, मतलब किस महाद्वीप में है? तो आपको बताना चाहिए ये यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये यूरोप महाद्वीप में है आल्प्स पर्वत। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स वो आपको अच्छे समझ में आ रहा है और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोज लेकर आता रहूँ। नेक्स्ट है, कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? तो आंसर है जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को दो बार काटती है। फ्रेंड्स ये जो लिम्पोपो नदी है ना फ्रेंड्स ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि लिम्पोपो नदी कौन से महाद्वीप में बहती है, तो आपका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और ये मकर रेखा को दो बार काटती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ब्राजील धारा के पूर्व की ओर बहने को क्या कहते हैं? तो आंसर है जो ब्राजील धारा था इसके पूर्व की ओर बहने को दक्षिण अटलांटिक अफवाह कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो आंसर है जो बेरिंग जल डमरू मध्य है इसके द्वारा जो एशिया महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है ये आपस में अलग होते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हवा के वेग को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है हवा के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर जो यंत्र होता है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आंसर है जो कालाहारी मरुस्थल है ये बोत्सवाना देश में स्थित है।
अगला क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल के कितने गुना बड़ा है? तो आंसर है जो भारत का क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्षेत्रफल की बात हो रही है, मतलब जमीन के बारे में बात हो रही है, मतलब जो हमारा भारत है उसके पास 4 गुना ज़्यादा जमीन है पाकिस्तान से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आपके ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं और आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। अगला क्वेश्चन करते हैं, पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों को जोड़ता है? तो आंसर है जो पाक जल डमरू मध्य है ये भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर है जो महानदी नदी है ये जो महानदी नदी है इसकी सहायक नदी है तेल नदी। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? आंसर है जो फिनलैंड है, फिनलैंड देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें फिनलैंड देश की, इसकी जो फ्रेंड्स मुद्रा है यहाँ पे लिख देता हूँ, जो इसकी मुद्रा है फ्रेंड्स वो यूरो है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यूरो जो है ये फिनलैंड की मुद्रा है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि जो फिनलैंड देश है इसकी राजधानी क्या है, तो आपको बताना चाहिए इसकी राजधानी है हेलसिंकी। यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, हेलसिंकी जो है ये फिनलैंड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन करते हैं, सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो आंसर है जो सुंडा ट्रेंच है ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि जो हिंद महासागर है, जैसे फ्रेंड देखो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है और इसका जो फ्रेंड्स डीपेस्ट पॉइंट है, मतलब इसका जो सबसे गहराई वाला जो बिंदु है वो मरियाना ट्रेंच होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मरियाना ट्रेंच। ठीक है, या आपको कभी कभी ऑप्शन में मरियाना गर्त दे देंगे या फिर कभी कभी आपको दे देंगे चैलेंजर, यहाँ पर लिख देता हूँ चैलेंजर गर्त भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ चैलेंजर गर्त। प्रशांत, ये तो प्रशांत महासागर की बात हो गई, आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि जो हिंद महासागर है इसका सबसे गहराई वाला जो बिंदु है वो कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सुंडा ट्रेंच। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आंसर है जो ग्रीनलैंड है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें ये ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा द्वीप है इसकी आपसे राजधानी और इसकी जो मुद्रा है फ्रेंड्स वो पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स जो इसकी राजधानी है वो है नुक, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो इसकी राजधानी है यहाँ पे लिख देता हूँ, राजधानी है इसकी नुक। और फ्रेंड्स इसकी जो मुद्रा है फ्रेंड्स वो है दानिश क्रोन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, दानिश क्रोन जो है वो ग्रीनलैंड की मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह किस देश का है? तो आंसर है संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो इंडोनेशिया का है। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको ना इंडोनेशिया की राजधानी और इंडोनेशिया की मुद्रा भी बतानी चाहिए। तो फ्रेंड्स जो इंडोनेशिया देश है इसकी जो फ्रेंड्स राजधानी है वो जकार्ता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, जकार्ता इसकी राजधानी है। अगर आपसे इसकी मुद्रा करेंसी पूछा जाए या मुद्रा पूछा जाए वो होता है इंडोनेशिया रुपया। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। और जो इंडोनेशिया है ये संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं? तो आंसर है जो सिसिली का स्ट्रैम्बोली जगह है जहाँ पे फ्रेंड्स ये एक तरह का सक्रिय ज्वालामुखी है और ये यहाँ का जो ज्वालामुखी है वो हमेशा ही सक्रिय रहता है और इस कारण से फ्रेंड्स इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ठीक है, ध्यान रखना आपने, सिसिली का स्ट्रैम्बोली। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो आंसर है जो ब्राज़ील है ये विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। और फ्रेंड्स आपको ना ये जो ब्राज़ील देश है इसकी जो फ्रेंड्स राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है फ्रेंड्स ये पता होनी चाहिए। जो ब्राज़ील है फ्रेंड्स इसकी जो राजधानी है वो ब्राज़ीलिया है और इसकी जो मुद्रा है फ्रेंड्स वो है ब्राज़ीलियन रियाल। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, इसके बाद मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच में है? तो आंसर है जो कनाडा देश है और ये जो यूएसए है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके बीच में जो फ्रेंड सीमा है ये सबसे लंबी है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई सबसे लंबी भूमि सीमा की, तो वो है कनाडा और यूएसए। फ्रेंड्स यहाँ पे देश है कनाडा और यहाँ पे देश है यूएसए। फ्रेंड्स दोनों की मुद्रा यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों की मुद्रा और दोनों की जो फ्रेंड्स राजधानी है ठीक है वो पता होनी चाहिए आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मैं दोनों की मुद्रा और राजधानी क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फ्रेंड्स ये जो कनाडा है इसकी राजधानी है ओटावा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ओटावा जो है वो कनाडा की राजधानी है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसकी मुद्रा की, फ्रेंड्स मुद्रा जो है इसकी वो है कनाडियन डॉलर। ठीक है, कनाडियन डॉलर कनाडा की मुद्रा है और राजधानी है ओटावा। फ्रेंड्स हम बात करते हैं यूएसए की, फ्रेंड्स ये जो यूएसए है इसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका भी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो फ्रेंड्स राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी, यहाँ पे लिख देता हूँ, वाशिंगटन डीसी जो है वो यूएसए की राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है फ्रेंड्स वो है डॉलर। ठीक है,
फ्रेंड्स मैंने आपको ये 20 क्वेश्चंस करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको ये 20 क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको यही क्वेश्चंस एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए इसी वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। टेस्ट मैं आपसे बाद में लूंगा, लेकिन जो मैंने आपको अभी 20 क्वेश्चंस करवाए हैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। उसके बाद फ्रेंड्स ये 5 क्वेश्चन का टेस्ट है जिनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। फ्रेंड्स ये जीके को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। स्टार्ट करते हैं रिवीजन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? आंसर है पनामा नहर। श्वेत नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? आंसर है प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। महासागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आंसर है फैदोमीटर। माउंट ब्लॉक किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? आंसर है आल्प्स पर्वत। कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? आंसर है लिम्पोपो नदी। ब्राजील धारा के पूर्व की ओर बहने को क्या कहते हैं? आंसर है दक्षिण अटलांटिक अपवाह। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? आंसर है बेरिंग जलडमरू मध्य। हवा के वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आंसर है एनीमोमीटर। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर है बोत्सवाना। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? आंसर है 4 गुना। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को जोड़ता है? आंसर है भारत और श्रीलंका। तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है? आंसर है महानदी। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? आंसर है फिनलैंड। सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? आंसर है हिंद महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर है ग्रीनलैंड। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह किस देश का है? आंसर है इंडोनेशिया। किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं? आंसर है सिसिली का स्ट्रैम्बोली। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? आंसर है ब्राजील। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, इसके बाद मैं आपसे 5 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच में है? आंसर है कनाडा और यूएसए। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 20 क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको यही 20 क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि जो मैं आपको 20 क्वेश्चन करवा दूंगा रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। तो फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे अपना कमेंट करके जरूर देना है। तो ठीक है फ्रेंड्स ये रहे 5 क्वेश्चन, ठीक है। टेस्ट आपने जरूर अटेम्प्ट करना है क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? सेकेंड क्वेश्चन है, स्विच नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अगला क्वेश्चन है, महासागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? और आखिरी क्वेश्चन है टेस्ट का, माउंट ब्लॉक किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? फ्रेंड्स आपने मुझे 5 क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मेरा एक और भी यूट्यूब चैनल है, अगर आपने मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ना है तो आपको रवि स्टडी आईक्यू मैथ्स पे आना पड़ेगा। फ्रेंड्स बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाएगा, इतनी देता हूं कि अगर मैथ्स रीजनिंग आपने मुझसे पढ़ लिया फ्रेंड्स आपको ना दिल्ली जाने की जरूरत पड़ेगी ना किसी कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया, अच्छे ढंग से समझाया गया है और सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और मेरा एक मोटिवेशनल टेक वाला चैनल भी है, वो है रैपिड माइंड रवि। तो फ्रेंड्स आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड्स आप मुझसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी जोड़ सकते हो, वो है रवि स्टडी आई क्यू जीके के नाम से, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। ज़्यादा उसको आप शेयर भी कर दीजिए अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि फ्रेंड्स और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।